हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। छोले हम बनाएंगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में और भटूरे हम बनाएंगे इंस्टेंट वाले। इसके लिए जो हम जरूरी सामान लेंगे वो है मैदा 2 कप, सूजी 1/4 कप, साथ में लेंगे 3-4 प्याज, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 3-4 ही हमने टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये हम आटा गूंदते समय अपने डो तैयार करते समय डालेंगे। साथ में लिया है तेज पत्ते 4-5, 2 लाल खड़ी मिर्ची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्ची, थोड़ी सी दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 2 छोटी इलायची। साथ में कुछ हरी मिर्ची को मैंने बीच में से हाफ कट कर लिया है। साथ में हम लेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी और अमचूर और पानी डो तैयार करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम अपना डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम 2 कप मैदा लेंगे। साथ में मिलाएंगे सूजी 1/4 कप, बेकिंग सोडा, ये 1/4 टीस्पून है, इसको ज्यादा नहीं डालना है। साथ में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक डो तैयार करेंगे। ये डो हमारा तैयार हो गया है। इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपना छोले तैयार कर लेंगे। अब हम छोले बनाएंगे। इसके लिए मैंने 300 ग्राम छोले लिए थे सफेद चने, उसको मैंने रात को गला दिया था और सुबह इसको बॉईल किया है। बॉईल करते समय मैंने 1 मुट्ठी चने की दाल डाली है, इससे ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बनती है। अब कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और ग्रेवी तैयार करेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, फिर हम डालेंगे खड़े मसाले जो हमने लिए थे, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्ची, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लाल मिर्ची। ये सारे खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं, इसको 1 मिनट तक भुनेंगे। इसके बाद हरी मिर्ची डालेंगे जो हमने काटी थी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसमें प्याज डालेंगे जो हमने मिक्सी में ग्राइंड करे थे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे भुनने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। प्याज अच्छे से भुन गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने ग्राइंड किए थे। साथ में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसको भुनने में लगभग 5 से 6 मिनट लगे हैं, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे
अमचूर 2 चम्मच, ये मैंने कुछ उबले हुए चने लिए हैं एक बाउल में। इसको पहले हम ऐसे पीसेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से मैश करना है हमें। ये छोले अच्छे से मैश हो गए हैं, अब सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी बनती है। अब इसमें हम उबले हुए चने डालेंगे, जो चने हमने उबाले थे। इसका जो पानी है वो हमें फेंकना नहीं है, साथ में ही इसमें डालना है। ये चने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधे कप जितना पानी डालेंगे। ये कितने गाढ़े रखने हैं उस हिसाब से आप इसको पानी डालिएगा, उबलने के बाद भी थोड़े और गाढ़े होते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, इसको उबाल आने तक इसका इंतजार करेंगे। छोले में अच्छे से उबाला आ गया है, अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे। इससे इसका जो स्वाद होता है वो बहुत एनहेंस होता है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये छोले बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम भटूरे बनाएंगे। ये आटा सेट हो गया है, इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मस लेंगे। अब हम इसको बेलेंगे, एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करेंगे। ये भटूरा मैंने बेल लिया है, ये सब तरफ से एक जैसा ही होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। और इसको बेलते समय आप कढ़ाई के हिसाब से बेल लीजिए, छोटा या बड़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तेल गरम करेंगे और इसको तलेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें भटूरा डालेंगे। इसको चारों तरफ से प्रेस करेंगे, एक साइड से फूल जाएगा, उसके बाद ही हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा तला है, अब इसको दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही तल लेंगे। इसको हमें फुल गैस पे ही तलना है। बस अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये भटूरे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छे फूले हैं। छोले और भटूरे दोनों हमारे रेडी हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।